हेलो हाय नमस्ते सस्रीकाल सलाम स्वागत करो जी हमारे चैनल में इट्स मी कृष्णा जी इधर आओ भैया चलो आज हम लोग आ चुके हैं कहां पर आपको तो इंट्रो में पता चल चुका होगा नंदन कानन घूमने के लिए आए हैं और अंदर का ब्लॉग बनाएंगे जल्दी ही अपलोड करेंगे भैया और एक बार बोल देता हूं क्योंकि किसी को पसंद है ये डायलॉग ज्यादा इट्स मी कृष्णा जी आओ जल्दी सो गाइस हम लोग जब नंदनकानन के अंदर घुसे तो राइट साइड में पहले हमें मिला नंदनकानन जू का म्यूजियम और म्यूजियम का अंदर जाना तो बनता है बॉस और कैमरा उठा के चले गए अंदर पहले दीदार किए व्हाइट टाइगर फिर और एक जानवर का उसका नाम मुझे नहीं पता भूल गया शायद और फिर बंगाल टाइगर और यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के अंडे और जो भी टाइगर है और छोटे छोटे कैसे दिखते हैं माँ के उनके माँ के पेट में जब होते हैं बच्चे कैसे दिखते हैं उनको केमिकल डाल के रखा गया है बहुत दिन से टाइगर के जितने भी किस्म के टाइगर्स है सबके यहाँ पर है फोटोज बनाए गए उनके पुतले बनाए गए हैं ओह नो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा ये कंगारू और बाहर आने के बाद यहाँ पर एक ऐसा मैदान बनाया गया है बाद में मैं फोटोज डाल दूंगा कैसा लगता है वहां पर फोटो खींचने से आप देख लेना वीडियो के अंत में सो गाइस आपको लगता होगा कि जानवरों को दर्द नहीं होता जानवरों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है मगर उनको भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और उनको भी प्रॉब्लम होता है जैसे कि मेरी मम्मी मुझे जब बुखार हो जाता है तो मेडिकल लेके जाती है और यहाँ पर जितने भी नंदनकानन जू के अंदर जानवर रहते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए सारे इंतजाम यहाँ पर मतलब किया गया है और उनको खाना किस जानवर को कितना उसके वेट के हिसाब से उसके दर्द के हिसाब से उसके मेडिसिन हो गया उसको क्या खाना है और पूरा डाइट के हिसाब से देखा जाता है और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा हम पैसा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका आप खाली देख के आ जाते हैं मगर वहाँ पर बहुत काम होता है ये देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम और साइंटिस्ट की टीम वहाँ पर लगे हुए हैं कभी भी आपको उनके बारे में समझना हो तो ये बनाया गया है अंदर एक सब कुछ लिखा गया है ये देखिए सफारी एलिफेंट जू के अंदर ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और यहाँ पर देख सकते हैं सारे चीज़ों के बारे में लिखा गया है अच्छे से लिखा गया है आप जाके टाइम देके आराम से पढ़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सारे जानवर के बारे में यहाँ पर लिखा गया है ये अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है तो जू के अंदर गाइड और जो हमारे घूमने के लिए पर्यटक आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते जानवरों के साथ कैसे बर्ताव करेंगे और ये रहा और बहुत अच्छा हिरन बनाया गया है वहाँ पर एक पुतला बनाया गया है और ऊपर जब मैंने कैमरा घुमाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जंगल में हूँ या फिर स्मार्ट सिटी में हूँ यार क्योंकि ये जो नंदनकानन जू है भुवनेश्वर में है भुवनेश्वर के पास ही में जगह में है तो ये देश का नंबर वन स्मार्ट सिटी के पास बसा ये एक छोटा सा जू और यहाँ पर फूलों के बारे में सारे फूलों के बारे में डिटेल्स लिखा गया है और ये देखिए जो शूट करते हैं जानवरों को मतलब बेहोश करने के लिए उनके बारे में भी कुछ लिखा गया है और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से हाथी के बच्चे को नहलाया जा रहा है ये फुटेज मैंने पहली बार देखा नंदनकानन के अंदर क्योंकि मैं देखा नहीं था ऐसे फुटेज और अच्छा लगा महाबत जो नहलाते हैं और यहाँ पर एक राइफल रखा गया है जिसमें कि नशे वाली गोली डाल के फायर किया जाता है तो फिर ये छोटा सा एक पिंजरा बनाया गया है मॉडल वाला जिसमें कि टाइगर को कैसे रेस्क्यू करते हैं या फिर लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वाइट टाइगर के बारे में और एलिफेंट के बारे में उनके बर्ताव के बारे में यहाँ पर ये देखिए जितने भी सांप है जहरीले जानवर उनके बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी है वहाँ पर भी मिल जाएगा और ये मैप है ये पूरा यह मैप है और इस मैप में पता चलता है कि आप कहाँ पर हो और कहाँ जाने वाले हो मतलब जितने भी डायरेक्शन है यहाँ पर पता चल जाएगा आपको जू के अंदर आने के बाद पहला जानवर दिखा भालू दो तीन भालू देखे मेरू मेरू
से बुलाते थे बचपन में हम लोग। पैरट जो है अंदर बहुत सारे हैं, देख सकते हैं आप, अंदर दिखाई हो गया। चलो चलो जल्दी चलो, देखते हैं आकर। सो गाइस, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंश्योर किया गया है कि आप अंदर पक्षियों को कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते। अगर दे रहे हैं वो अगर आपके उंगली को काट देते हैं तो फिर कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक अंदर एक लाइब्रेरी मिल जाएगा, आपका आँख आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। हम लोग भी गए थे मगर पढ़ाई नहीं किया, ऐसे ही जस्ट वीडियो बना के चला आए। और पढ़ाई तो हमसे नहीं होता है मगर हम लोग आए हैं तो वीडियो वीडियो बनाएंगे, ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं। और पढ़ने के लिए बैठ जाते तो फिर टाइम चला जाता यार। कभी आएंगे बाद में, यहाँ पर आएंगे, ज़रूर आएंगे पढ़ने के लिए। और आपको लेके चलता हूँ मछली घर के दीदार करने के लिए। मछली घर, मछली घर तो आपको पसंद ही होगा ना। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। और यहाँ पर सारे मछलियों का नाम ऊपर लिखा गया, आप देख सकते हैं ऊपर भी। और मैं कुछ मछलियों का नाम भी बता दूंगा। गोल्ड फिश, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा मछली है, गोल्ड फिश। और अंदर ये सिक्योर किया गया है कि कौन सी मछली कहाँ से आई है और कहाँ से ला के रखा गया है, वो सब उसके बारे में लिखा गया है। और अंदर गर्मी बहुत है, बहुत इतना गर्मी कि यहाँ पर एसी और पंखा लगा है मगर बहुत गर्मी हो रहा है। और ये देखिए बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी, यहाँ पर लिखा गया है सारे मछलियों का नाम। ये बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी। और अंदर आपको मिल जाएगा सब डिटेल्स मिल जाएगा, और जो भी आप चाहें वहाँ पर बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं बैठ के आराम से। और ये देखिए एंजल, और इसका नाम क्या है। और हमारे जो फेवरेट हैं हमारे यूट्यूब में जो हमें फॉलो करते हैं और हमें पसंद करते हैं ज़्यादा, उनके लिए मैं गिफ्ट रखा हूँ। ये उनके लिए गिफ्ट है, ये मछली उनके लिए गिफ्ट है। और मैं जाते वक्त इसको लेके जाऊंगा, ठीक है। नहीं लेके जाऊंगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, लेके नहीं जाऊंगा। आपके को आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आपका गिफ्ट। और यहाँ पर और एक किस्म की मछलियाँ थी। और यहाँ पर पंखा वंखा चालू है, एसी लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा गर्मी कम है। और हम लोग अभी यहाँ पर हैं, सो गाइस आप जब भी आते हैं तो कोशिश कीजिए कि इस घर में आएंगे और मछलियों के बारे में और जानने को पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे किस्म की मछली है। और यहाँ पर एक अच्छा ऐसा लगा कि मुझे नहीं लगा था कि ये एक मछली है, क्योंकि ये पत्थर के साथ लिपटी हुई थी और ये वाइट कलर का था, तो मुझे लगा कि नीचे वाला कुछ ऐसे ही पत्थर रखा गया, मगर मछली था वो एक। 10 रुपये टिकट लेते हैं मगर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा देते हैं। अंदर देख सकते हैं आप, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाए गए हैं और साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई के मामले में जितने भी पार्क में घूमा हूँ, जू में जा मतलब अभी तक 2-3 जू गया हूँ, छत्तीसगढ़ में गया था मगर उसका ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया, नेक्स्ट टाइम बना देंगे। यहाँ पर अगले भी मतलब पहले 2 बार आ चुका हूँ मैं। जब पहले आया था तो 20 रुपये था और उससे पहले जब आया था 10 रुपये टिकट था, अभी 50 रुपये बन गया है। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छा है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। ये पहले नहीं था, ये जब मैं पहले आता था ये जो है बनाया है वो सब नहीं था, अभी बन गया है बहुत सारा। और ये हमारे साथ चल रहे हैं कौन, हमारे मित्र, बाल्यकाल से मित्र हैं हमारे मित्र, संतोष भैया है आपके, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद हमें एक चीता देखने को मिल गया, और उनका जो ट्रेनर था, केयर टेकर था उस वो खाना डालने के लिए आया था। और अंदर देख सकते हैं वो खाना डाल रहे हैं अंदर। ये बहुत कम दिखा पाते हैं लोग, शूट कर पाते हैं, क्योंकि खाना डालने वक्त तो हम पहुंचते नहीं हैं वहाँ पर। खोला ओपन रखनी बकेरा,
आ गए हम लोग अंदर, पूरा मतलब यहाँ पर पक्षियों को खुला छोड़ दिया गया है और अंदर ऐसे ही कोई आके ऊपर बैठ जाए कोई क्या पता। ये ओपनिंग नहीं हुआ था, ये अभी ओपनिंग हुआ है, पहले ये नहीं हुआ था। सो गाइस, अब जब भी नंदनकानन आए ना, इस बाड़े के अंदर आना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों को पूरा ओपन छोड़ा गया है। अंदर पहले गिद्ध जो होते थे ना उनके लिए बनाया गया था, मगर इसको अभी अंदर एक मतलब जैसे कि आप जंगल सफारी में टाइगर्स को देखने के लिए जा सकते हो, या इस तरह ही अंदर आप चलते फिरते पक्षियों के साथ समय बिता सकते हो। खूबसूरत झरना बनाया गया है और पक्षियों के खाने वाने के लिए इंतजाम पूरा बेस्ट तरीके से किया गया। अंदर एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, आप जब अंदर आएंगे तो आप एक लिक्विड सा पानी में अपना पैर धो के आना पड़ता है, क्योंकि अंदर पक्षियों को इन्फेक्शन ना हो इसीलिए उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। सो गाइस, नंदनकानन के अंदर ना ये सबसे खूबसूरत जगह लगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर किया गया, उसके नीचे से गुजर के जाना पड़ता है। डायनासोर तो आपको पता होगा, जितने भी हमारे यहाँ पर जहरीले हो या फिर खतरनाक जानवर हो उनका पितामह बोल सकते हैं आप। अंदर जाने के बाद हमें बहुत सारे यहाँ पर ये देखिए छोटा सा डायनासोर मिला, और यहाँ पर लिखा गया है कौन सा डायनासोर कब कब और कैसे हमारे पृथ्वी पे आए थे। डायनासोर ज़माने के, आपको पता होगा कि जो कछुए होते हैं वो भी डायनासोर के ज़माने के हैं, मगर डायनासोर वो सर्वाइव नहीं कर पाए और कछुए सर्वाइव कर गए। और यहाँ पर अलिफ रिडले कछुआ यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, जो कि बंगाल की खाड़ी में 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आती है यहाँ पर अंडे देने के लिए। ब्रह्मपुर के पास एक जगह है, मैं गूगल लिंक उसका दे दूंगा, आप चाहें तो वो टिपिकल समय में जाएंगे तभी आपको मिल जाएगा। और इंडियन किंग कोबरा, रॉक पाइथन, सब यहाँ पर सबका एक एक फोटोज रखा गया है। सो गाइस, बहुत हो गया तस्वीर में मतलब जितने भी जहरीले जानवर है देखना। और ये देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि इंडियन रॉक पाइथन, सॉरी इंडियन कोबरा, फिर उसके बाद एक बोया देखे हम जिसको हम, और ये देखे एक अजगर, उसके बाद ये एक बहुत अच्छा वाला सांप था, मुझे लगा कि ये शायद मर गया है मगर नहीं, वो जिंदा था, किंग कोबरा। ये देखिए किंग कोबरा बहुत लंबा था, कम से कम 3 मीटर का होगा ये किंग कोबरा। किंग कोबरा का बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हमारे कोबरा के मतलब रिलेटिव्स हैं सबको यहाँ पर रखा गया है। और ये देख सकते हैं, ये है ये सबसे पुराना वाला जानवर। और यहाँ पर और एक अजगर, फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे टॉर्टोइस देखने के लिए मगर हमें मिला नहीं अंदर। और इसको हम उड़िया में बोलते हैं रोना सापो। और ये देखिए ये मगरमच्छ, मुझे लगा कि मर गया होगा शायद। और उसके बाद हम लोग पहुँचे बाड़े में, किसके, बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर्स, इंडिया का सबसे बड़ा शिकारी जानवर। नंदन है वहाँ पर, और वाइट टाइगर का 2-3 टाइगर्स रखे गए हैं वहाँ पर, और एक सबसे खासियत वाला चीज़ ये ब्लैक टाइगर, ये सबसे ज़्यादा आपको घड़ियाल दिख जाएंगे क्योंकि ये उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और टाइगर दिख जाएंगे, और कछुए बहुत ज़्यादा है, और हिरन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ, इंडियन पाइथन हो गया, रॉक पाइथन हो गया, और अफ्रीकन पाइथन हो गया, किंग कोबरा हो गया, बोया हो गया, और लेजर्ड हो गया, बहुत सारे चीज मतलब ऐसे जानवर देखने को पाएंगे जो बहुत ही खतरनाक और जहरीले हैं। मगर यहाँ पर ये जो गार्ड हैं ये लोग उन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, और यहाँ पर अच्छे से उनका देखभाल किया जाता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है हर महीने या फिर 6-7 महीने के अंदर किया जाता है, शायद किया जाता होगा क्योंकि इतने फिट है वो लोग। मुझे देख के, उन लोगों को देख के मुझे डर लग रहा था कि एक घड़ियाल ऐसे मुंह खोल के बैठा था, हमें लगा कि वो मर गया है, नहीं मरा है वो जिंदा है भैया।
और अंदर देखिए तीन घड़ियाल छोटे छोटे हैं, मगर अंदर जाके देखिए आप वो जितने छोटे हैं ना उतने से भी बहुत छोटे टुकड़े करके दिखाएंगे, आप दिखाएंगे थोड़ा सा। एक हो गया और अगर इसके अंदर कोई भूल से भी चला गया ना फिर उसका खात्मा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे हम जिसे मानते हैं वो है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा क्या चीज, आपको देखने में मालूम पड़ेगा कि क्या चीज है वो। ये देखिए मेरे पीछे खड़ा है, बहुत सुंदर सा है। दो जोड़े थे पहले, मगर एक जोड़े का प्रॉब्लम हो गया तो फिर एक उसका डेथ हो गया है, मगर एक है बचा है अभी भी। जिराफ बहुत बड़े जानवर होते हैं, करीबन 10 से 12 फीट हाइट तो होता है कम से कम। सो गाइस, मैं जब जू के अंदर आया तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था गजराज का दर्शन करने के लिए। गजराज जो यहाँ का देखा जाए तो नंदनकानन में सबसे ज़्यादा अगर पसंदीदा जानवर कोई है तो वो है गजराज, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बाड़ा बनाया गया है उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए 4 से 5 महावत वहाँ पर रखे गए हैं, और दो तीन तो नहीं बहुत है। सो गाइस, आज का ब्लॉग का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नंदनकानन में आकर आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अभी तक अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, इस नंदनकानन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहें तो उस लिंक को टैप करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी को शुक्रिया मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा वीडियोस देखने के लिए, और मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए मेरे साथ। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि और भी कुछ था दिखाने के लिए मगर हमारा कैमरा का बैटरी ख़त्म हो रहा है, एक्स्ट्रा लेंस भी मैंने नहीं लेके आया हूँ। ओके, ख़त्म करते हैं ब्लॉग वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, एंड बने रहिए मेरे साथ।